हेलो एवरीवन, इल्यूम डाउट्स का आज 50th सेशन है। आज एक और डाउट लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच मियोसिस सेकंड प्रोडक्ट इफ द मदर सेल हैज 40 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन जी2 फेज। पहले तो आप इस पीजी का मतलब समझो। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये पीजी क्या है। पीजी बेसिकली पिकोग्राम है, पिकोग्राम वेट की एक यूनिट रहती है, और 1 पिकोग्राम की अगर आप बात करोगे तो ये रहता है करीब 10^-12 ग्राम। तो ये तो हो गई यूनिट एक वेट की। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मदर सेल यानी जहाँ से मियोसिस शुरू होता है उसको आप मदर सेल कहते हो। वो कह रहा है कि मदर सेल में G2 फेज में कितना डीएनए है, 40 पिकोग्राम। कौन से फेज में, G2 फेज। ऐसे क्वेश्चंस में मेन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में देख क्या रखा है, किस स्टेज पे जो है डीएनए का जो है कंटेंट दे रखा है, उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि मियोसिस सेकंड का जो प्रोडक्ट होगा यानी मियोसिस सेकंड हो जाने के बाद में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए एक सेल में प्रेजेंट होगा, वो हमें आंसर देना है। देखो इस आंसर को समझने के लिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले मैं कुछ एक बेसिक्स समझा देता हूँ आपको, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आता हूँ। देखो हम लोग बात करते हैं पहले इंटरफेज की। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उससे पहले एक फेज आता है जिसे कहा जाता है इंटरफेज। इंटरफेज में स्टार्ट में रहता है G1 फेज, G1 के बाद में आता है S फेज, और S फेज के बाद में आता है G2 फेज। S फेज की खास बात क्या है कि S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब क्या हो गया, डीएनए अपनी एक कॉपी बनाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। रेप्लिकेशन भी किस सेंस में होता है इसको भी समझें आप। देखो G1 फेज में क्या होता है बेसिकली कि जब हम बात करते हैं तो जो ये जो क्रोमाटिन मटेरियल रहता है वो इस तरह से एक क्रोमाटिड की फॉर्म में रहता है, ये एक सिंगल क्रोमाटिड की फॉर्म में है, ये एक सिंगल क्रोमाटिड। इस तरह के टोटल 46 क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होंगे अगर ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो। एक ह्यूमन सेल में G1 फेज में इस तरह के 46 क्रोमाटिड्स का प्रेजेंट होते हैं। फिर एस फेज में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन में ये जो क्रोमाटिड है ये क्रोमाटिड एज इट इज रेप्लिकेट होगा और ये अपनी एक कॉपी बनाएगा, और ये दोनों के दोनों क्रोमाटिड्स अपने आप को कंबाइन कर लेंगे वाया अ सेंट्रोमियर, और अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, क्रोमोजोम। एक बार वापस समझाता हूँ मैं। देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो ये देखो एक मिनट, हाँ G1 फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है तब ये इस तरह का क्रोमाटिड देखने को मिलेगा आपको। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये क्रोमाटिड अपनी एक और कॉपी बनाता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये क्या है, डीएनए का डुप्लीकेशन, ये पहले क्रोमाटिड पहले से प्रेजेंट था इस G1 फेज में और अब इसकी एक और कॉपी बन गई, और ये दोनों क्रोमाटिड्स एक दूसरे को जो है सेम है दोनों बिल्कुल, इसलिए इन दोनों क्रोमाटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉपी है एग्जैक्ट। तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तब क्रोमाटिड ने अपनी एक और कॉपी बनाई। तो अगर आप इनिशियली समझें कि अगर यहाँ पर एक्स ग्राम ऑफ डीएनए इनिशियली G1 फेज में कितना डीएनए, एक्स ग्राम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डबल हो गया, ये लो 2x डीएनए डबल हो गया है, एक्स ग्राम डीएनए G2 फेज में यानी S फेज के बाद में कितना हो जाता है 2x। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने बोला कि G2 फेज में कितना डीएनए है, 40 पिकोग्राम। मदर सेल के G2 फेज में 40 पिकोग्राम यानी कि डीएनए डबल हो चुका है, यानी इनिशियली G1 फेज में कितना था, 20 पिकोग्राम। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि एक नॉर्मल सेल में इस केस में इस क्वेश्चन में 20 पिकोग्राम डीएनए प्रेजेंट होता है, 40 पिकोग्राम उसके डिवीजन के बाद में। अब बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस की। इसमें काम करता हूँ मैं, इसमें इस क्वेश्चन को एज अ मियोसिस भी ले लेता हूँ और एज अ माइटोसिस भी ले लेता हूँ, और आपको दोनों तरीके से इसको सॉल्व करना बता देता हूँ ताकि कल को ये क्वेश्चन माइटोसिस के रेफरेंस में आए तो आप कैसे सॉल्व करो। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले ये समझना कि एक्चुअल में माइटोसिस में होता क्या है। देखो माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस में डिवीजन कैसे होता है, देखो आप माइटोसिस में ये एक सिंगल सेल है। देखो ये वीडियो देखने से आपको फ़ायदा होगा कि आपको माइटोसिस और मियोसिस के बीच का भी मेन डिफरेंस क्या है वो समझ में आ जाएगा। जैसे माइटोसिस में बात करें हम लोग तो माइटोसिस में क्रोमोजोम है ये,
ठीक है, और क्रोमोसोम, ये एक क्रोमाटिड और एस फेज में इसका क्या हो गया, डुप्लीकेशन, तो दो सिस्टर क्रोमाटिड्स ने मिलके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर दिया, इसी को आप क्रोमोसोम कहते हो। ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड से एक दूसरे की कॉपी है जो बनी थी एस फेज में। अब माइटोसिस की पर्टिकुलर बात करूँ तो आपको पता होगा कि ये दोनों क्रोमाटिड्स आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रोमियर, आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रोमियर। माइटोसिस में क्या होता है बेसिकली, जब एनाफेज आता है तो उस एनाफेज में ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और स्प्लिट होने की वजह से ये जो दो सिस्टर क्रोमाटिड्स है ये सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो जाएंगे और ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स फिर अलग अलग सेल में मूव कर जाएंगे। यानी जैसे समझो ये सेल यहाँ से अब डिवीजन शुरू हुआ इसका, ये सेल यहाँ से डिवाइड होगा। अब एक क्रोमाटिड तो यहाँ आ जाएगा और एक क्रोमाटिड यहाँ आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऐसा बनेगा कि दो सेल्स बन गए और दोनों सेल में एक एक सिंगल क्रोमाटिड आ गया, ये एक एक क्रोमाटिड आ गया दोनों सेल्स के अंदर। यानी कि इनिशियली समझो, अगर इनिशियली जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लें तो इनिशियली कितना डीएनए था, 20 पिकोग्राम। एस फेज के बाद में कितना हो गया, ये 40 पिकोग्राम। यानी इस पर्टिकुलर स्टेज पे मैं बात करूँ तो अभी दो से दो आपको क्रोमाटिड्स दिख रहे हैं, यानी 20 प्लस 20, 40 पिकोग्राम डीएनए। फिर माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद में डीएनए वापस कितना हो जाएगा, हर सेल में सेम हो जाएगा, हाफ हो गया 20 पिकोग्राम, 40 पिकोग्राम। एक सेंट्रोम, एक क्रोमाटिड इधर आ गया तो 20 पिकोग्राम, एक क्रोमाटिड इधर आ गया तो 20 पिकोग्राम। इनिशियली कितना था, 20 पिकोग्राम। यानी माइटोसिस में क्या डीएनए का कंटेंट चेंज हुआ, शुरुआत की थी माइटोसिस से पहले 20 पिकोग्राम डीएनए था, माइटोसिस खत्म होने के बाद भी 20 पिकोग्राम डीएनए है, डीएनए कंटेंट सेम रहता है माइटोसिस में, यही तो माइटोसिस की खास बात है, डीएनए कंटेंट चेंज नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, अगर माइटोसिस की फॉर्म में अगर आपसे पूछे तो आप आंसर बिना सोचे समझे जितना इनिशियली था उतना आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम मियोसिस की, तो इसको समझना है अच्छे से कि मियोसिस में डीएनए हाफ कैसे होता है, ये देखना है आपको, है ना। आंसर मैं पहले ही बता रहा हूँ, मियोसिस के बाद में डीएनए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैसे हाफ हो जाएगा वो हम मैं आपको समझाता हूँ। देखो मियोसिस में बेसिकली होता क्या है उसको समझें पहले हम। जैसे समझो आप ये एक सेल है, ये एक सेल है, अब इस केस में दो डी क्रोमोसोम्स बना देता हूँ मैं, ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, सॉरी ये पहला क्रोमाट, ये एक क्रोमोसोम है जिसमें दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ठीक इसी तरह से एक और क्रोमोसोम होगा जिसका ये होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, इसमें भी दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, इसमें भी दो सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो जब मियोसिस होता है बेसिकली, तो मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, आप सबको पता है मियोसिस में दो डिविजन्स होते हैं बेसिकली, जैसे एक सिंगल सेल है ये और इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस फर्स्ट के बाद में यहाँ पे दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे जिनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्ट का भी तरीका बताऊंगा आपको, पर पहले आप इसके पीछे का बेसिक समझें ताकि क्वेश्चंस किसी तरह का घूम के आए तो कोई डाउट नहीं रहे आपको। तो 46 से कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 23। फिर एक और मियोसिस होता है जिसको आप कहते हो मियोसिस सेकेंड, और इसमें टोटल चार सेल्स बनेंगे। अब भाई मियोसिस फर्स्ट के बाद दो सेल बने, मियोसिस सेकेंड के बाद में चार सेल बने, और चारों सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर कितना है, 23। समझ में आया। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, जब मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज होगा तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर दोनों क्रोमाटिड्स अलग अलग सेल में चले जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट में ऐसा नहीं होता। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा कि एक ही पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा और इसका होमोलोगस पूरा का पूरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में आ जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा, दो सेल्स बने, ये दो सेल्स बने, इन दोनों सेल में एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम है जिसमें दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, जिसमें दो सिस्टर क्रोमाटिड्स है। देखो एक्चुअल में वो क्या रहा है, क्रोमोसोम से सेपरेट हो गए, जबकि माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर क्रोमाटिड सेपरेट होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम से सेपरेट हो गए। ये बहुत बड़ा फर्क है माइटोसिस और मियोसिस में, ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ, मियोसिस में क्रोमोसोम से सेपरेट हो जाते हैं जबकि माइटोसिस में केवल क्रोमाटिड से सेपरेट होते हैं। तो ये देखो ये मियोसिस फर्स्ट के बाद का केस है ये, अब इसमें दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स प्रेजेंट है, और यही रीज़न है, यही रीज़न है कि मियोसिस सेकेंड होता है। भाई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि देखो हम क्या कहते हैं कि
मियोसिस का काम क्या होता है? मियोसिस का काम होता है क्रोमोसोम्स नंबर हाफ करना। तो ये तो हाफ मियोसिस फर्स्ट में हो गया, ये 46 क्रोमोसोम्स, मियोसिस फर्स्ट हुआ 23 23 हो गए, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर तो ऑलरेडी हाफ हो चुका है, फिर मियोसिस सेकंड करवाने की ज़रूरत क्या थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप तो हाफ तो पहले ही कर चुके हो। तो उसको करवाने की ज़रूरत यही थी कि एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक सेल में जब वो रेस्टिंग फेज में आएगा तो उसमें एक ही सिस्टर क्रोमाटिड हो सकता है, उसका डबल अमाउंट नहीं हो सकता। डीएनए अभी भी देख लो आप यहाँ पे, ये और ये दोनों एक दूसरे की रेप्लिका है, जबकि एक नॉर्मल सेल में एक ही रहता है वो, है ना। इसलिए इसको आपको एक बार और डिवाइड कराना पड़ेगा। और अब जो मियोसिस सेकंड होगा, ये मियोसिस सेकंड आपको पता है क्या रहता है, ये रहता है एक तरह का माइटोसिस, यानी अब जो चार सेल्स बनेंगे इनसे, इन दोनों से जो चार सेल्स बनेंगे, उन चार सेल्स में जो है सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से एक एक क्रोमाटिड आ जाएगा। यहाँ कितने क्रोमाटिड दिख रहे हैं आपको, दो इसमें दो इसमें, क्रोमाटिड सेपरेट होंगे, तो हर सेल में आपको एक एक सिंगल सिंगल क्रोमाटिड दिख जाएगा। ये देखो आप, ये क्रोमाटिड दिख, अब जाके डिवीजन पूरा हुआ है। दो सेम सिस्टर क्रोमाटिड्स एक सेल में कभी भी नहीं हो सकते, अगर वो रेस्टिंग फेज में, ये ध्यान रखना है आपने ना, आपको उसे एक में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा, और यही रीज़न है कि मियोसिस सेकंड होता है। अब एक काम करते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए देख लेते हैं हम लोग एक बार। समझो यहाँ पर इनिशियली इस मदर सेल में वाई ग्राम डीएनए था, ठीक है। एस फेज आया तो कितना हो गया, 2y, डबल हो गया। तो इस सेल में कितना है अभी, 2y। डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद में क्या हो गया, डिवीजन होने के बाद में ये हो गया कि ये जो दो सेल्स बने इनके, इनमें क्रोमोसोम ही पूरा का पूरा मूव कर गया ना, तो डीएनए मूव कर गया आधा उधर और आधा इधर, तो इसमें कितना डीएनए होगा, इसमें होगा वाई ग्राम, इसमें वाई ग्राम, क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही आप ले गए इधर उधर। अब यहाँ पे अगर वाई ग्राम है और इससे जो दो सेल्स बने, देखो इस सेल से ये दो सेल्स बने, तो इसमें अगर वाई ग्राम है तो दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स का मिलाकर डीएनए का अमाउंट कितना है, वाई ग्राम, सिस्टर क्रोमाटिड्स अलग हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, वाई बाय टू, और ये हो जाएगा वाई बाय टू। यानी अगर आपके पास इनिशियली डीएनए वाई है तो मियोसिस सेकंड खत्म होने के बाद में कितना हो जाएगा, वाई बाय जो है, और मियोसिस फर्स्ट के बाद में वाई, जितना ओरिजिनली था उतना ही डीएनए ये हो गया वाई, और मियोसिस टू के बाद में हो जाएगा वापस वाई बाय टू। समझ में आई चीज़, तो ये इस तरह से। अब इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट करना भी सिखा देता हूँ। देखो एक सेल है जिसमें वाई ग्राम डीएनए, ठीक है, ये एस फेज से निकला, तो इसमें कितना हो गया, 2y ग्राम, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद में कितना डीएनए होगा, तो आप बोलोगे कि सर वाई ग्राम, जितना ओरिजिनली पहले था उतना ही, मतलब सब कुछ शुरू होने से पहले, एस फेज से पहले जितना था उतना सेम रहेगा, इसमें वाई ग्राम, इसमें वाई ग्राम। इसलिए कहते हैं कि माइटोसिस में जो है कंटेंट सेम ही रहता है, कोई बदलाव नहीं होता। और अगर आपसे पूछा जाए मियोसिस के बारे में कि बताओ जब मियोसिस खत्म हो जाएगा, यानी उसके दोनों डिविजन खत्म हो जाएंगे, तो आप इसको हाफ कर देना, वाई बाय 2 ग्राम आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि What will be the amount of DNA in each meiosis second product? Meiosis second का product यानी meiosis पूरा complete हुआ है। If the mother cell has 40 pg of DNA in G2 phase, वो कह रहा है G2 phase में 40 picogram DNA, G2 phase S phase के बाद में आएगा, यानी वो इस stage की बात कर रहा है। कितना DNA है, 40 picogram, यानी initial कितना था उसके पास में, 20 picogram, यानी Y की value यहाँ क्या है, 20 picogram, तो आप देख लो meiosis के बाद में हो जाएगा Y by 2, यानी कि 10 picogram, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका, और बाकी मैंने आपको एग्जैक्ट समझा ही दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, और अगर आप इसके पास इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे पा रहे, तो मुझे इस नंबर पर क्वेश्चन को आप व्हाट्सअप कर दें। ईजी क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगा, और कुछ अगर बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ तो उसको हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर डिस्कस कर लेंगे। So that's it. Thanks a lot for watching us.